विदिशा के पठारी में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जनवरी 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, जो पेंशन कम और इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देता है और 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन स्कीम लागू है। इसलिए इस पेंशन स्कीम में अनेक कर्मचारियों के शासन से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम राशि जो भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संघ के तहसील अध्यक्ष जगदीश श्रीवास्तव, श्री सुमन के अलावा कई शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्योंकि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है, उक्त में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन स्कीम लागू है। उपरोक्त पेंशन स्कीम में अनेक कर्मचारियों को शासन से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम राशि पेंशन में प्राप्त होती है, जो भरण पोषण के लिए पर्याप्त प्रकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील पठारी, जिला विदिशा। विषय: देश एवं प्रदेश के 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने विषय। माननीय महोदय, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी सन 2004